जिस उम्र में इंसान मोहताज हो जाता है कि कोई हमें पानी पिला दे। एक हमारे साथ में इस समय माता जी मौजूद हैं और इनके चेहरा ये बता रहा है कि इनकी उम्र अप्रोक्सीमेटली क्या होगी। आपकी उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, आपकी उम्र में लोग उठ नहीं पाते, आप महाराष्ट्र दुनिया से आके यहाँ पर माउंट आबू में सेवा दे रही हो। वो मेरा भाग्य, मेरे बाबा ने मुझे सेवा दिया ना, मुझे भाग्य सेवा लगने वाले सेवा चाहिए। इस भोजन में भाव है, इस भोजन में प्रेम है, क्योंकि यहां भोजन का निर्माण परमात्मा की याद में होता है और प्रेम से निर्मित हुए भोजन को प्रेम भाव से वितरित किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत में बात हम करने वाले हैं उस विचार की, जो कि जीवन को जीने के लिए तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, या यूं कह सकते हैं हमारे आपके सभी के लिए आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। उसके बनाने की विधि का विचार अपने आप में उतना ही पवित्र है जितना कि किसी देवालय में जाके किसी देव प्रतिमा के सामने पूजा करने की विधि का विचार पवित्र होता है। हम बात करेंगे भोजन के निर्माण की विधि की, और वो इसलिए भी कि आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर मन वचन कर्म तीनों चीजों की पवित्रता ही भोजन के निर्माण की प्राथमिकता होती है, और ऐसे ही लोग यहां पर भोजन का निर्माण करते हैं। हम बात करने वाले हैं ब्रह्मा कुमारीज के शिव भोजनालय की, जहाँ महज एक घंटे में 40,000 लोगों का भोजन पकता है, बनता है। दरअसल भोजन निर्माण एक यज्ञ कर्म के समान है, जिसमें भोजन का ग्रहण करना उतना ही पवित्र कार्य है जिस तरह से यज्ञ कर्म में आहुति का डालना। तो सात्विक किचन है, उसमें प्योर वेजिटेरियन, साथ साथ परमात्मा की याद में और बहुत शुद्धता से बनाया हुआ, स्वच्छता सफाई से, क्योंकि भोजन का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज मनुष्य ये तो चाहता है उसका मन एकाग्र हो जाए, चाहे बच्चा है या युवा है या बड़ा है, लेकिन चंचलता रहती है, मन कहीं और भागता रहता है। तो इसका संबंध हमारी बहुत सारी बातों के साथ होता है, उसमें भोजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमारा ये लक्ष्य रहता है कि सभी ऐसा भोजन ग्रहण करें जो प्रभु की स्मृति में बना हुआ हो, शुद्ध बना हुआ हो, सात्विक हो, जिसका प्रभाव हमारे तन पर भी, हेल्थ वाइज भी अच्छा रहे और मन पर भी बहुत अच्छा रहे। भोजन का कार्य एक ऐसा कार्य है कि जैसे जितनी हम पवित्रता से बनाएंगे और जिस भावना से बनाएंगे, वैसे ही खाने वालों में मतलब वही वाइब्रेशन जाएंगे हैं। अगर हमारा भाव अच्छा होगा और अच्छी भावना से हम बना रहे हैं, बाबा की याद में बना रहे हैं, तो वो भोजन खाने वालों को भी बाबा की याद दिलाएगा। ये भाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है और इसीलिए इस भाव को मैं बयां कर रहा हूँ, क्योंकि भोजन के निर्माण करते वक्त जैसा मन का भाव होगा, आपकी वाइब्रेशन, आपका जो पूरा का पूरा वातावरण है, वो वैसा ही होगा जैसा कि आपका मन है। तो ये पूरा वातावरण हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखा, और मैं इसी बात को आपको बताने के लिए इस पूरे भोजनालय के दर्शन करवाऊंगा, इस पूरे भोजनालय में काम करने वाले लोगों से आपको मिलवाऊंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ये जगह, ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों मैंने इस विषय को यहाँ पर रखा।
किचन की एक विशेषता है कि ये किचन में हम 2 घंटे के अंदर लगभग 40,000 का खाना हम बना सकते हैं एफर्टलेसली। 2 घंटे में जब कह रहा हूँ तो इसमें जो सब्जी काटने का है, ये प्रोसेसिंग है, ये वो सारी चीज़ें अलग करके सिर्फ कुकिंग टाइम जो दाल चावल और सब्जी हम कुक करना है वो हम 2 घंटे में कर सकते हैं। उसी हिसाब से पूरा किचन को डिजाइन किया गया है। भोजनालय के सबसे पहले चरण में सब्जी विभाग का अवलोकन करना आवश्यक है, जहां आसपास के गांव से लाई गई सब्जियों की धुलाई और कटाई का काम होता है। इस काम को मशीनों से भी अंजाम दिया जाता है और लगभग 1 घंटे में 90 किलो तक सब्जी को काटा जाता है। हालांकि सेवाधारी भाई बहनों और माताओं के द्वारा भी इस संदर्भ में सेवा कार्य किया जाता है। सब्जियाँ हम पालनपुर से, अहमदाबाद से और लोकल, सबसे पहले हम प्रेफरेंस देते हैं लोकल किसानों को। यहाँ पे अवेलेबल है राजस्थान के आसपास के 40-50 किलोमीटर, पहले हम वो चीज़ उठाते हैं, नहीं है तो फिर। शिव भोजनालय में चारों तरफ अगर हमें यहाँ पर कुछ भी दिख रहा है तो वो है सेवा का भाव। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे भाई हो या बहन हो, चारों तरफ ये लोग लगातार जो है सब्जियों को काट रहे हैं और बड़े ही जतन के साथ में काट रहे हैं। कुछ इस तरीके से काट रहे हैं कि इस काम के लिए भी कह सकते हैं कि ऐसा काम जिसमें हर चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए कैसी माताएं जो है यहाँ पर काट रही, पूरे के पूरे यहाँ पर आप इस पूरे जो हॉल है यहाँ पर शिव भोजनालय का, चारों तरफ यहाँ पर लोग अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से सेवा दे रहे हैं। जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का इतने इम्पोर्टेंट है कि जो खाना बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो जो मनोस्थिति में खाना बनाता है उसके वाइब्रेशंस उसके फूड में जाते हैं और जो भी वो फूड कंज्यूम करेगा वो वाइब्रेशंस को भी कंज्यूम करता है सर। अगर वो वाइब्रेशंस गंदे हैं, तामसिक है, नेगेटिव है, तो वो हम नेगेटिव वाइब्रेशंस को कंज्यूम कर रहे हैं अलॉन्ग विथ फूड। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सात्विक फूड जिसको हम कहते हैं, सात्विक फूड उसी को माना जाता है जिसमें सिर्फ लहसुन प्याज ना हो, वो सात्विक नहीं, वो आधा सात्विक। सात्विक फूड वो है जिसमें सत्व प्रधान वाइब्रेशंस है। बनाने वाला व्यक्ति एक मेडिटेटिव स्टेट में रह के वो भोजन बनाए और जो भी वो भोजन खाएगा वो मेडिटेटिव स्टेट में वो सारे वाइब्रेशंस के अंदर जाए। जब हम बाहर कहीं भोजन करते हैं तो उसका व्यवसायीकरण होता है, यानी कि उस भोजन को करने से हमारे मन और मस्तिष्क पे वैसा ही बोध होता है, वैसा ही हमारा मन मस्तिष्क बनता है। लेकिन जब हम यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी शिव भोजनालय में मौजूद हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, पहली बात तो ये है कि जितने भी सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर सारे के सारे योग में रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं और उसी परमात्मा की याद में रहते हुए कोई यहाँ पर टमाटर को धुल रहा है, यहाँ पर सब्जियों को धोया जाता है, आलू को भी धोया जाता है और किस तरीके से यहाँ पर भगवान की याद में, परमात्मा की याद में सब कुछ कार्य हो रहा होता है। यानी कि एक बहुत अच्छी बात है और बड़ा समझने वाली बात है कि हम सिर्फ और सिर्फ निमित्त मात्र हैं भोजन को बनाने के लिए, वरना करने वाला और बनाने वाला तो ऊपर। देखिए ईश्वर की याद में उसके भाव में रहते हुए ये भोजन पक्के जा रहा है यहाँ पर, जो बाहर लोग भंडारे में, बाबा के भंडारे में जो लोग खाने के लिए आए हैं। और जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ के जो संयंत्र लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी 2 घंटे में 40,000 लोगों के लिए खाना बनाने की है। तो मेरा मेन मकसद यह है बताने का कि जब आप भोजन का निर्माण कर रहे हैं, चाहे यहाँ की बात हो और चाहे आप अपने रसोई घर में, परमात्मा की याद में, ईश्वर की याद में जब आप भोजन का निर्माण करेंगे तो आपके परिवार के लोगों का मन मस्तिष्क, उनका स्वास्थ्य अपने आप उत्तम होगा। तो ये प्रार्थना, ये निवेदन आप लोग जरूर स्वीकार करें कि घर में जब भी आप भोजन का निर्माण करें तो परमात्मा की याद में रहते हुए, उसके विचार में रहते हुए अपने आप भोजन का निर्माण करें। हर एक व्यक्ति को हमेशा एक चीज कहता हूँ, जो भी घर में भोजन बनाता है, चाहे आपके कोई भी हो, माँ बना रही हो, बहन बना रही हो, कोई नौकर हो, जो भी भोजन बनाता है उस भोजन बनाने वाले व्यक्ति की मनोस्थिति बहुत हाईएस्ट चाहिए।
क्योंकि अगर माँ घर में भोजन बना रही है, अगर वो गुस्से में खाना बनाएगी, जो खाना खाएगा वो क्रोध के वाइब्रेशन हर एक के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, व्यक्ति पूरा दिन वो क्रोध में रहेगा जो भी खाएगा। इसलिए सात्विक भोजन का महत्व इसलिए है कि भोजन के अंदर सत्व प्रधान वाइब्रेशन वाले भोजन हमें खाना है। हमारे को बहुत अच्छा लगता है और हम जो सेवा करते हैं तो हमको घर की याद भी नहीं आती है। यहाँ पे यहाँ सब कुछ परिवार जैसा लगता है सब। यहाँ अलग अलग देश के लोग रहते हैं, माताएं रहती है, तो उसके साथ में हमको बहुत अच्छा लगता है। कोई कैसा रहता है, कोई कैसी भाषा है, कोई कैसी भाषा है, हम सब समझ लेते हैं हिंदी में। बाबा कहते अच्छे मन से, अच्छे दिल से, और दिल से बाबा की याद करना, सुबह अमृत वेला करना, बाबा को अमृत वेले में बुलाना, और बाबा को अमृत वेले में बुला के उसको पुकार के और खाना बनाना, और बाबा के याद से ही खाना, और आत्मन को भी याद से ही खिलाना, और जब रोटी बेलते हैं जब बाबा की याद से ही रोटी बेलते हैं। जिस उम्र में इंसान बिस्तर पकड़ लेता है, जिस उम्र में इंसान मोहताज हो जाता है कि कोई हमें पानी पिला दे, कोई हमें खाना खिला दे, कोई हमारा मुंह साफ कर दे, उस इंसान उस उम्र के उस दौर में भारत के सुदूर इलाके महाराष्ट्र के किसी छोटे से शहर से आके इस भाव के साथ यहाँ पर सेवा देना निश्चित तौर पर उस व्यक्ति उस इंसान की आध्यात्मिक ऊंचाइयों को दर्शाता है और निरोगी काया को भी दर्शाता है। लेकिन इसके पीछे का भाव क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी। एक हमारे साथ में इस समय माता जी मौजूद हैं और इनके चेहरा ये बता रहा है कि इनकी उम्र अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, पूछने की जरूरत नहीं है, हम इनसे ही बात करते हैं। माता जी आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो आप? हम दुलिया से, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र दुलिया महाराष्ट्र से आए हो। आपकी उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, आपकी उम्र में लोग उठ नहीं पाते, आप महाराष्ट्र दुलिया से आके यहाँ पर माउंट आबू में सेवा दे रही हो, कैसे संभव है ये, कैसे कर पाते हो आप? वो मेरा भाग्य, मेरे बाबा ने मुझे सेवा दिया ना, मुझे भाग्य सेवा लगने वाले सेवा चाहिए, सेवा कहाँ मैं मुझे भाग्य मिलेगा ना, सेवा करती हूँ मैं बच्चों को सुबह में सेवा में, उसको नाश्ता पानी में सेवा में जाते हैं, नाश्ता पानी बच्चों को करते हैं, भोजन के सेवा में जाते हैं, रोटी सब भी करते हैं, रात को मेरे बाबा के सेवा में सब थापत रहती है। आप जब ये भोजन बनाते हो तो आपके मन में क्या रहता है, विचार क्या रहते हैं, कैसा भाव रहता है वो बताइए। भाव तो बहुत अच्छा रहता है, आत्मा को भोजन बनाते ना उसको बहुत खुशी लगती है, आनंद लगता है। मेरा आत्मा बहुत सेवा करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, बाबा की याद करेंगे, सब मजे में रहते हैं, वो अच्छा विचार चलता है। देखो तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मैं नासिक से हूँ और बाबा के ज्ञान में 25 साल से हूँ। बाबा का ज्ञान और बाबा का जो धारणा, सेवा, योग, ये चार सब्जेक्ट होते हैं, वो सब हमको बाबा ने बताया है। इंदौर से आप आए हैं, कितने लोग आए इंदौर से यहाँ पर? हम चार हैं। चार लोग आए हैं, चार लोग। तो यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों की रोटी बना रहे हैं, कब तक, कब से बना रहे हैं आप? हम बना रहे हैं 28 तारीख को आए। अच्छा अच्छा, एक महीना हो गया। देखिए यही है सेवा भाव जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी माताएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं और वो अपनी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न इलाकों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर ये बताना भी बहुत जरूरी है कि ये मैनुअली यानी कि हाथ से रोटी भी बन रही है और यहाँ पर मशीन से भी रोटी बनाई जाती है। सेमी ऑटोमेटिक चपाती पूरी मेकर मशीन में एक घंटे में 12,000 पूड़ियां बेलकर तैयार हो जाती हैं, जिन्हें फ्रायर के द्वारा तला जाता है। इसके अलावा सेवाधारी भाई बहनों माताओं के द्वारा भी हाथों से रोटियों और पूड़ियों को बनाया जाता है, फिर इन रोटियों को
हॉट बॉक्स में डालकर वितरण स्थान तक ले जाया जाता है। लगातार अभी कुछ और खास बातें आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आएंगे और कुछ खास बातें आपको भी बताएंगे। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। ये संयंत्र आप देख रहे हैं, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, इस पूरे के पूरे बड़ा सा ये कह सकते हैं भगोना, जिसको हम शुद्ध देशी भाषा में कह सकते हैं, 120 लीटर का क्षमता है ये। यानी कि एक बार में ये 120 लीटर दाल का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो क्षमता है, लगभग ऐसी क्षमता यहाँ पर सभी संयंत्रों की है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग भोजन कर लिए नित्य प्रति आते हैं और उनके लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर ये भोजन निर्माण किया जा रहा है। ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आप इस बात को समझिए कि ये लोग यहाँ पर सेवादार हैं, यानी कि ये यहाँ पर कोई तनख्वाह पे नहीं है, बल्कि यहाँ पर सेवा करने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर आते हैं, देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर आके अपनी सेवाएं देते हैं। आके सेवा का भाव है, मन में परमात्मा की श्रद्धा का भाव है। और जैसा आप उधर देखिए, वो जो हम ज्योति बिंदु स्वरूप जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो हर जगह विद्यमान है, बस इसी ज्योति पुंज स्वरूप की परमात्मा की याद में यहाँ पर आकर भोजन बनता है और इसी भोजन को यहाँ पर लोग ग्रहण करते हैं प्रसाद रूप में और उनका जीवन धन्य होता है, उनके जीवन में कल्याण होता है। इसके अलावा इन 10 कढ़ाइयों की अगर बात करें तो थर्मिक फ्लूइड हीटिंग सिस्टम के द्वारा इन कढ़ाइयों के माध्यम से सब्जी, पुलाव, पोहा, उपमा, हलवा आदि बनाया जाता है। इस किचन में दो जो एकदम नई टेक्निक यूज किया हुआ है, एक तो सोलार से हमारा यहाँ 50% दाल चावल जो है सोलार से बनता है। सोलार के लिए हमारे पास वो सोलार के पैनल्स लगे हुए हैं, वहाँ से स्टीम जनरेट होता है और हमारे पास डीजल के बॉयलर्स भी लगे हुए हैं बैकअप के लिए। दूसरा जो सिस्टम लगा हुआ है थर्मिक फ्लूइड की हीटिंग सिस्टम है, जो आपने कढ़ाई वगैरह देखी होंगी वो अलग तरह के कढ़ाई हैं, जिसमें कंसील्ड पाइपलाइन है जिसमें थर्मिक ऑयल घूमता है। दरअसल एक भारत और श्रेष्ठ भारत में जब हम जिक्र आज इस शिव भंडारा का कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भोजन के रूप में पूरे भारत के भोजन के भी दर्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ पूरे देश के तमाम जगहों से आए हुए लोग एक जगह पर अलग अलग भाषा परिवेश के होने के बावजूद एक साथ एक भारतीय के रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शिव भोलेनाथ के भंडारे में समय मौजूद है और जो लोग यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में, ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी, ये सारे लोग कहीं ना कहीं या तो सेवा दे रहे हैं या इन्होंने प्रसाद लिया हुआ है। सबके अपने अपने अनुभव हैं और इनसे जरूर हम इनके अनुभव जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस भंडारे में इनके अनुभव क्या हैं। एक एक करके हम इनसे पूछते हैं। आप बताएं सबसे पहले तो कि आपका नाम क्या है? बीके मनोज है और मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र पुसद से, पुसद शहर है। यहाँ पर आकर ऐसा महसूस होता है कि हम जैसा अन्न खाते वैसा हमारे विचार बनते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो पॉजिटिव थॉट है वो बढ़ रहे हैं, जो निगेटिविटी है, जो विचार में हमारी निगेटिविटी है वो कम होती है। यहाँ पे जो भोजन ब्रह्मा भोजन बनता है तो बड़े सभी भाई भाई लोग बड़े याद बाबा की याद से, प्यार से और साथ में बाबा को लेकर ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, तो उससे हमको साथ में रहने से एकदम सहयोग हो जाए, शक्ति मिलती है और प्यार में रहकर योग युक्त भोजन बनाते हैं हम सभी भाई लोग मिलकर, तो उनका साथ और प्यार रहने से वो
भोजन बन रहा है, ब्रह्मा भोजन बनता है वो एकदम शुद्ध और उससे पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति होती है इसमें। बहुत ही अच्छा शुद्ध खाना बनता है, 50 से 60 हज़ार लोगों का खाना बनता है और किसी बात की भी कमी नहीं आती है। इस संस्था मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो है यहाँ की सच्चाई, सफाई और सादगी, जो यहाँ आप ना केवल यहाँ की जो यहाँ की थीम है वो स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उसको आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। और भोलेनाथ के भंडारे की हैं तो ये बात वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं कि जैसा आप अन्न खाते वैसा आपके विचार होते हैं। तो यदि हम अच्छा अन्न खाते हैं, पॉजिटिव भगवान की याद में खाते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर का मन का निर्माण होता है और वैसे ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। मेरा नाम डाली शर्मा है, मैं जम्मू से आई हूँ और इधर आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं जहाँ से जाऊँ ही ना, ऐसे जब घर जाती हूँ तो रोना आता है। मैं बोलती हूँ वाह मैं देवताओं की जे नगरी में आ गई हूँ। भ्राता जी, विपिन बनारस से हैं और इस समय जो सेवा दे रहे हैं हम ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली में मौजूद हैं और वहाँ हम शिव भोलेनाथ का भंडारा ही संभालते हैं, वहाँ सेवा देते हैं। मान्यता यह है कि भोजन हम नहीं बनाते, हम पहले बाबा को याद करते हैं और उन्हें बुलाते हैं कि आइए बाबा आपके शुद्ध पवित्र और सात्विक भंडारे में आकर के सात्विक भोजन हमारे साथ में बनाइए। मैं मदन मोहन शर्मा, जो कि मूलतः है उत्तराखंड पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं लगभग 26 वर्षों से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं और अपने प्रारंभिक सेवा काल में मैंने भी कुछ समय 2 महीने तक इस भंडारे में सेवा दी है। तो मैंने ये देखा कि जब हम बहुत एकाग्रता से और परमात्मा की याद में इस भोजन को बनाते हैं तो हमारी मनोस्थिति भी बहुत ऊंची हो जाती है और एक बहुत ऊंची ऊर्जा का आभास होता है और हमने देखा कि हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में इस भोजन का एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसे भाई जी ने कहा कि जैसा अन्न वैसा मन, और इसका प्रभाव हमारे ऊपर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। मैं हरियाणा हिसार बिमला यहाँ सेवा के लिए आई हूँ, 15 दिन हो गए, 1 महीने की सेवा है मेरी। यहाँ भोलेनाथ का भंडारा यानी कि जो हम ये प्रसाद खा रहे हैं सात्विक भोजन है ये, और मन शुद्ध करता है, मन के सारे रोग कष्ट खत्म हो जाते हैं, मन में चिंता भय दूर ये हो जाता है और मन शक्तिशाली बन जाता है। मेरा नाम वी के रामचंद्र है, हम उड़ीसा संबलपुर से हैं और हम यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ का जो बनाने का भाव है सात्विक अन्न और शुद्ध शिव की याद से बनाते हैं, तो जो खाते हैं जो बनाते हैं सब का आत्मिक भाव हो जाता है और मन शुद्ध साकार हो जाता है। बी के पूजा बहन महाराष्ट्र पुसद से हूँ। हम देखते हैं कि सभी जगह माताएं बहनें ही भोजन बनाती है, पर ये यहाँ भोलेनाथ भंडारे की ऐसी विशेषता है कि यहाँ पर हमारे भाई लोग भोजन बनाते हैं और हम देखते हैं कि जैसा अन्न होगा वैसा मन होता है और जैसा मन होगा वैसी वाणी होती है। तो ये सारे विचार आपने सुने, इन विचारों का सेंट्रल आइडिया कह लें, एक भाव कह लें, वो ये है कि आप अपने घर में भी जब भी कभी भोजन बनाएं तो अपने विचारों को अपने मन को शुद्ध रखें और परमात्मा की याद में, भगवान की याद में, आप जिस किसी को भी मानते हों उसकी याद में आप भोजन का निर्माण करें। न केवल आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका परिवार स्वस्थ होगा तो ऐसे करके समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा तो ये राष्ट्र स्वस्थ होगा और जब ये राष्ट्र स्वस्थ होगा तभी तो हम कह पाएंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत।